हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रंबल। आई एम तुषार एंड आज के इस वीडियो में हम एक क्यूबॉइड का क्वेश्चन करेंगे। मेंसुरेशन से मैंने क्वेश्चन लिया ये, और नो डाउट क्वेश्चन बहुत ही इजी, लेकिन तब जब आपको फॉर्मूला आता हो, एक करेक्ट मेथड पता हो। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता, करेक्ट मेथड नहीं पता, तो जो आप हिट एंड ट्रायल करके कोशिश करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन करने में, उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होने वाला है, ठीक है। सो देखिए, क्वेश्चन ये कह रहा है, एरिया ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसिस ऑफ द क्यूबॉइड इज 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जो लगातार तीन फेसेस हैं उनका एरिया दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप ये देख के समझ जाएंगे कि जो एडजेसेंट फेसेस के हमें बात हो रही है ना, वो क्या बात हो रही है, एक लेंथ के अलॉन्ग फेस है, एक ब्रेथ के अलॉन्ग फेस है और एक हाइट के अलॉन्ग फेस है। समझ रहे हैं, देख के सब चल रहा है पता। यानी इसने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यानी आपको क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकालनी है। अब देखिए, काफ़ी सारे बच्चे तो क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे एरिया दे रखा है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अपने हिसाब से कुछ हिट एंड ट्रायल करेंगे, लेंथ ब्रेथ और हाइट की वैल्यू मान। कैसे कुछ भी लोग क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर बोलेंगे, 3 कैसे आ सकता है, 3 × 1 करके, तो हाइट 3 हो सकती है, विड्थ 1 हो सकती है, इस तरीके से कुछ ट्राई करेंगे। बट मेरी आप बात मानिए, ऐसा ट्राई मत करिए, क्योंकि इससे बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपकी कई बार वैल्यू सेट भी नहीं होती है। समझ रहे हैं, वैल्यू सेट नहीं होंगी तो ट्राई वेस्ट होगा। तो देखिए, इसके लिए एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला होता है, जब भी आपको 3 एडजेसेंट फेसेस दिए हो, क्या दिए हो, 3 एडजेसेंट फेसेस का अगर एरिया गिवन होता है ना, फेसेस मैं लिख देता हूँ का एरिया गिवन है, तो जो वॉल्यूम होगा आपका भैया, ये बराबर होगा अंडर रूट ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया। क्या आएगा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एरिया। मैं अभी आपको सिंप्लीफाइड में और लिख के दिखा देता हूँ ऑफ एरिया। जैसे मान लेते हैं मेरा ये वाला फेस जो है लेंस वाला, इसका एक्स एरिया, इसका विड्थ वाले का वाई एरिया, और हाइट के अलॉन्ग जो एरिया आएगा वो जेड आएगा। तो मेरा जो वॉल्यूम हो क्या हो जाएगा, वो अंडर रूट एक्स वाई जेड हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, देखिए कितना आसान है। अगर आपको फॉर्मूला होता तो कुछ नहीं, बिल्कुल सेकेंड्स का क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन मैंने मेंस के पेपर से लिया है 2020 का, हाँ शायद उसी के मेंस का ये क्वेश्चन है, 15 तारीख वाली शिफ्ट से मैंने लिया है क्वेश्चन, ठीक है। सो देखिए, यहाँ से अब आपका वी क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा आपका अंडर रूट 3 × 12 × 16, विच विल बिकम, देखो 12 से 36, तो ये आ जाएगा 6 बार और 16 का 4 बार इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए, उसमें तो ये पूछा था कि कितने लीटर्स की कैपेसिटी होगी, तो जैसे वहाँ तो क्या था, मैंने तो बस थोड़े से चेंजेस क्या किए, वहाँ पर यहाँ पर मीटर स्क्वायर था हर एक जगह पर, और आपसे पूछा गया था कि बताना लीटर्स में कितनी कैपेसिटी होगी, तो मैंने लीटर्स में आपसे कैपेसिटी पूछी और मैंने ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। बाकी आप इसको भी बहुत ही इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लीटर्स में निकालना हो, बहुत ही सिंपल कन्वर्जन होता है। अगर आपको नहीं आता तो आप बता दीजिएगा मेरे को, एक वीडियो में आपको अलग से कन्वर्जन सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम।